हेलो फ्रेंड्स, मुँ अभिषेक आपको सेंट्रल एंड ओडिशा गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल स्वागत जनाऊँ। फ्रेंड्स देखु आप बहुत भल निजुक्ति सुजोग आई जो थी कि आम जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी क्या देखा से आप 3490 प्लस पोस्ट आपको वैकेंसी आसा कि आम ओडिशार गोटे बहुत बड़ा बिग वैकेंसी आपने बहुत भल अपॉर्चुनिटी रही है और इतने कौन से एग्जामिनेशन करना और देखो इतने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या जब आम देखा आपन जब 10th क्लास पास करते हैं आपंप जॉब वैकेंसी रही प्लस टू पास करते आपंपी जॉब वैकेंसी रही प्लस थ्री पास पे जॉब वैकेंसी रही आपड़ जहाँ भी करते आपंपी जॉब वैकेंसी रही जोटा कि बहुत बड़ा वैकेंसी आपने देखते यहाँ आम ओडिशार समस्त जिलार प्रार्थी उभय पुरुष और महिला मैंने जॉब गुड़ी आवेदन कर देपारे और अप्लाई मोड क्या जब देखा आपलाई अनलाइन मोड रही। फ्रेंड्स देखते आम चलते आगे स्क्रीन में देखने आप सब कौन कौन वैकेंसी डिटेल्स रही आम चलते आगे देखने और देखते फ्रेंड्स आपड़ी प्रथम कर आम चैनल को बर्तमान भिजिट करते आम चैनल बर्तमान सब्सक्राइब करनी कारण आपड़ी सब गवर्नमेंट जॉब अपडेट नोटिफिकेशन वीडियो मध्यम सर्वप्रथमें पारे जदि आप चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अलरे प्रेस कर रखी थे क्यों आवेदन कर देपारे बोथ मेल एंड फिमेल उभय पुरुष और महिला मैंने आवेदन करदेपारे आम ओडिशार समस्त जिलार प्रार्थी आवेदन करदेपारे एवं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी कथा जब देखा आपते गोटे पोस्ट में आप वैकेंसी आसी आपंकर 3490 प्लस पोस्ट में आप वैकेंसी आसी आ विषय में आपको आगे डिटेल्स जन मैंने आपड़ा क्यों भाव में अनलाइन आवेदन करेंगे सेटा प्रोसीजर मुझे आगे जनदेवि आपड़ भिडियो को संपूर्ण रूप से भल भाव देखी नि मंथली सालरी कथ जब देखा आपंक सालरी पर मंथ के 25,49 टाँग मैंने 25,50 टाँग आप मंथ सालरी रोक जोटा कि बहुत भल सालरी रोचे और आप्लाई मोड कथा जब आम देखा आपलाइन मध्यम आवेदन करदेपारे जोटा मुझे आगे बताइदेवि आप्लिकेसन फिज क्या जब आम देखा नो आप्लिकेसन फिज फर अल मैंने समस्त कैटेगोरी कैंडिडेट मानी एस आप्लिकेसन फी देवा पड़े ना एवं पोस्ट नेम क्या जब आम देखा आपण सब क्यों क्यों पोस्ट में वैकेंसी आसी एएम ए डीएम ऑपरेशन आपको वैकेंसी आसी जाभा प्रोग्राम मैनेजर पर वैकेंसी आसी सिविल प्रोजेक्ट मैनेजर पर वैकेंसी आसी आर्किटेक्ट ऑफिसर पे आपको वैकेंसी आसी डीसीपीओ ऑपरेटर पे आपको वैकेंसी आसी इनचार्ज ऑफिसर पे आपको वैकेंसी आसी ऑटोमेशन इंजीनियर पे आपको वैकेंसी आसी रोलर मैन एंड अदर पोस्ट पे आपको वैकेंसी आसी जोटा कि बहुत सारा पोस्ट पे आपको वैकेंसी आसी आम आगे डिस्कशन करा और सिलेक्शन प्रोसेस कथा जब आम देखा आपको यह क्यों भाव में सिलेक्शन आपंकर मार्क बेसीस सिलेक्शन हम कौन से एग्जामिनेसन हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपन सब कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़ो ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपको समस्त जेरॉक्स आवश्यक पड़ो एवं कास्ट सर्टिफिकेट जब आप कास्ट में आवेदन करते हैं आप कास्ट सर्टिफिकेट आवश्यक पड़ो देन आप रेसीडेंट सर्टिफिकेट आवश्यक पड़ो वन आईडी प्रूफ जेकोसी आधार कार्ड हो कि वोटर कार्ड हो कि पैन कार्ड हो जेकोसी गोटे आप आईडी प्रूफ आवश्यक पड़ो एज लिमिट क्या जब आम देखा आपको जब मिनिमम 18 प्लस हो मैंने आपड़ी 18 वर्ष होती आप जॉब गुड़िया सब आवेदन करने एलिजिबल हो पारे और मैक्सिमम रोचे 45 वर्ष आपको 18-45 वर्ष बयस मध्य होबार अच्छी आज 1/5/2022 मैंने आपको 1 मे 2022 सुधा यदि 18-45 वर्ष बयस मध्य होती आप जॉब गुड़िया सब आवेदन करने एलिजिबल हो पारे और एज रिलैक्सेशन क्या जब आम देखा आपंकर ओबीसी कैटेगोरी कैंडिडेट मानों पर 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन रहा और SC/ST कैटेगोरी कैंडिडेट मानों पर 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन रही। फ्रेंड्स देखते एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या जब आम देखा कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 10th प्लस 2 डिप्लोमा डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट आप पास करते मैंने आप 10th पास करते किंबा प्लस टू पास करते किंबा डिप्लोमा पास करते किंबा डिग्री पास करते किंबा पोस्ट ग्रेजुएट मैंने जेकोसी डिग्री आपने आप जॉब गुड़े आवेदन करने एलिजिबल हो पारे और जॉब लोकेशन क्या जब आम देखा आपंकर अनुगुल ओडिशा आप जॉब लोकेशन रहा आपंकर अनुगुल डिस्ट्रिक्ट रोक अल ओडिशा कैंडिडेट को आवेदन करेंगे कारण फ्रेंड्स आप जानते जिंदल स्टील प्लांट अनुगुल अच्छी तो से अनुगुल जिले में आप पोस्टिंग रोचे और अप्लाई स्टार्ट डेट जो अलरेडी स्टार्ट हो गला फ्रेंड्स एवं आम चलते आगे देखने आपको क्यों भाव में अनलाइन आवेदन करदे पारे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे लिंक टी दे
आपण मैंने से लिंक को जाकि डायरेक्ट क्लिक करके पेज को आसपार जदि भी जो मैंने चाहूना आपत सर्च करें जिंदल स्टिल पावर डॉट कॉम जब आप सर्च करेंगे आप पेजट को आसपार ऑफिशियल पेज टू आसापर आप करेंगे देखते फ्रेंड्स देखते ये आप जॉब एप्लीकेशन को आप आसापर देखते आप कौन जो बर्तन करेंट ओपनिंग अच्छी देखते आप क्लिक करेंगे देखते बहुत सारा आप ऑप्शन अच्छी किंतु आपड़ा करेंट ओपनिंग हिं अच्छी आप करेंट ओपनिंग रखिए आय कौन आप क्लिक करेंगे ना देखते करेंट ओपनिंग बर्तन मुझे रखीदे देन आप कौन हो पर्सनल डिटेल्स मैंने आप नेम देते एज देते क्वालिफिकेशन देते देन आप कौन रही इमेल देते एक्सपीरियंस जी आप आगे किसी देते ना आप जीरो एक्सपीरियंस टी छाड़ीपारे देखते आप फ्रेशर हिसाब से पकईदारे और देखते आप कौन देती एजुकेशनल डिटेल्स आप एजुकेशनल डिटेल्स कौन करेंगे आप स्पेशलाइजेशन आप जहाँ भी थोड़ा आप डिटेल्स भरवे आप कॉलेज नेम देते आप ईयर ऑफ पासिंग जहाँ भी आप पास करते ईयर ऑफ पासिंग देते आपड़ी परसेंटेज हिसाब से आज मार्क कैलकुलेशन हो परसेंटेज लिखे जब आप सीजीपीए हिसाब से आप सीजीपीए लिखे देन आप कौन रही ग्राजुएसन आप ग्राजुएसन कौन ब्रांच थी आप ब्रांच को क्लिक कलापर ब्रांच विषय जानपारे आप कॉलेज नेम यूनिवर्सिटी जहाँ थी तार नाम लिखे से ही भाव आप ईयर ऑफ पासिंग लिखे परसेंटेज सीजीपीए हिसाब से जहाँ भी आप मार्क थी से लिखे आपड़ा जब बैकलग्स किसी अच्छे देते जब ना स्किप करदे छाड़देवे और देन आप ट्वेल्थ क्या देखिए आप ट्वेल्थ जहाँ थी देखते आप जो प्लस थ्री करना से डायरेक्ट ट्वेल्थ आरंभ करेंगे जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट करना से प्लस थ्री आरंभ करेंगे ये सब आप आरंभ करेंगे देखते ट्वेल्थ क्या जब आम देखिए बोर्ड आप कौन थी बोर्ड देते ईयर ऑफ पासिंग जहाँ थी आपको देते परसेंटेज हिसाब से ना सीजीपी हिसाब से आप मार्क पकेबे देन आप कौन देखिए टेन्थ से आप फिलअप करेंगे बोर्ड ईयर ऑफ पासिंग परसेंटेज कि सीजीपीए देन आप कौन जी डिप्लोमा अच्छी जी डिप्लोमा आप कर इफ एप्लिकेबल लिखा जब आप डिप्लोमा करते पकेबे नक आप स्किप मारे देन आप देखिए एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आप डेजिग्नेशन कौन जी आप आगर कौन जगह काम करते आपको यहाँ फिलअप करा पड़ो यदि करना आप स्कीपे आप करेंट आड्रेस आप जो सिटी रोचे से सिटी नंबर लिखे स्टेट लिखे कंट्री लिखे फोन नंबर लिखे मोबाइल नंबर लिखे और आड्रेस लिखे देखो फोन नंबर जब जहाँ ना स्कीपे आप कैप्चा कैप्चा फिलअप करेंगे लास्ट जो आपको आसा चूज फाइल आप रेज्यूम फाइल आप निजर जो रेज्यूम फाइल जो बनई थे से रेज्यूम फाइल टी अपलोड करेंगे अपलोड कला देखते आप बेसिकल रेज्यूम आप रेज्यूम क्लिक चेक करेंगे रेज्यूम चेक कला आप रेज्यूम जब से भल लगेगा आप मैंने सिलेक्शन करेंगे और आपड़ जॉब होबार चांसेस बेस रही देन आप लास्ट सबमिट सबमिट आप्लिकेसन करेंगे और आप्लिकेसन सबमिट हो किसी दिन पर आप रिजल्ट बाहर 45 दिन होगापर आप रिजल्ट बाहर।